नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी एग्जिट पोल जिनके बारे में आजकल चर्चा हो रही है उसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही। मुझे लगता है कि असल नतीजे जब आएंगे उसमें बीजेपी की कई ज्यादा सीटें आने वाली हैं और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बीजेपी की ही बनेगी। सुनिए। सभी एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई भी एग्जिट पोल जो निष्पक्ष रूप से आए हैं मैक्सिमम में सभी में भारतीय जनता पार्टी की किसी में 45 सीटें हैं, किसी में 47 सीटें, किसी में 43 सीटें, अलग अलग सबके अनुमान आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब नतीजे आएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। नहीं, सरकार अधिकांश चैनलों ने और अधिकांश जो भी एग्जिट पोल आए हैं सभी में सरकार बन रही है। लेकिन मेरा मानना है कि उत्तराखंड की जनता का भरपूर समर्थन, भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है और प्रचंड बहुमत की सरकार। उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा अब ये बस 3 दिन बाद यानी कि 10 मार्च को सामने आ जाएगा। लेकिन भाजपा ने मतदान के बाद की संभावित स्थिति का आकलन कर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने मतगणना की तैयारी को लेकर देहरादून में एक बैठक की जिसमें केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में पार्टी के सभी सांसदों, प्रांतीय पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, प्रत्याशियों और विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों ने शिरकत की। बैठक का मुख्य उद्देश्य मतगणना गिनती पर नजर बनाए रखना है। देखिए, जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग में चेक किया जाता है कि ईवीएम प्रॉपर सील्ड हो, ईवीएम में कोई छेड़छाड़ ना की गई हो, जो कंट्रोल उसका पैनल होता है उसे सही तरीके से उसकी काउंटिंग की जाए। भाई नाम आए हैं तो वो अनाउंस होता है, कोई ऐसा कार्यकर्ता वहाँ ना हो जो लापरवाही बरत दे। तो सब कुछ पॉजिटिव नोट पे लिया है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसका एक एक कार्यकर्ता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सरकार बनाने जा रहा है और इस बार तमाम मिथकों को तोड़ते हुए हम ऐतिहासिक वोटों के साथ उत्तराखंड में जीतने जा रहे हैं और पुनः सरकार स्थापित करने जा रहे हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए जानी जाती है। और जब जब हमारे पास जो मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने की है उसका परिणाम आने जा रहा है और हम सब जानते हैं 10 तारीख को हमारा एक एक कार्यकर्ता काउंटिंग जहां पर होगी वहां पर मौजूद रहेगा। तो कोई आरओ होगा, किसी को कोई जिम्मेदारी होगी, तो बहुत गंभीरता से अपनी एक एक पाई पाई का हिसाब वहाँ जोड़ के रखना है, सजो के रखना है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आश्वस्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। कहीं से कहीं तक कोई संकोच नहीं है। हमें ऐतिहासिक वोटों के साथ सारे मिथकों को तोड़ते हुए और आज बीजेपी के तमाम विधायक, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। आखिर क्या कारण थी जो आप लोगों ने आज यहाँ पर बैठक की? वो तो एक संगठन की बैठक है कि कोई कमी न रह जाए, कभी कोई सीट जो है चार बोर्ड से बदल जाए। अंत तक जब तक के लिए सचेत सतर्क रहने के लिए हमारी भाजपा के द्वारा जैसे कि कांग्रेस में मीटिंग की गई, 10 तारीख को रिजल्ट आना है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको मैं भाजपा के डर के रूप में देखती हूँ। हिल गई है भाजपा, डर गई है भाजपा, इस वजह से शायद होटलों में या बैठकें करती फिर रही है। क्योंकि एक बार ऐसा लग रहा है कि मंशा है फिर से लोकतंत्र की हत्या करने की, मंशा है फिर से संविधान की हत्या करने की, मंशा है फिर से यहाँ पर जो जनादेश है उसको तोड़ने मरोड़ने की। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। कुख्यात यानी कि बदनाम कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुँच चुके हैं, तो इससे लोग स्वतः समझ रहे हैं कि जनादेश का अपमान होने वाला है। इसलिए लेकिन मौका इस बार कांग्रेस पार्टी देगी नहीं। एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ जब हम जनादेश लाएंगे, 40 से ऊपर सीटें जब कांग्रेस पार्टी की आएगी, तो फिर कौन क्या करेगा? कैलाश
रिजल्ट आने से पहले कुछ क्या दर्शन मैं कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कुछ कहूँ ऐसा मन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इतिहास में काले पन्नों में और काले अक्षरों में अंकित होगा कैलाश विजयवर्गीय का नाम, क्योंकि वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। जिस तरह से गोवा में मैंडेट कांग्रेस को मिला, सरकार भाजपा ने बनाई, मणिपुर में मैंडेट कांग्रेस को मिला, भाजपा ने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में मैंडेट कांग्रेस को मिला, सरकार किसकी है देख लीजिए, कर्नाटक में इन्होंने क्या किया देख लीजिए, और यहाँ 2016 में उत्तराखंड में क्या किया वो आपके। करीब 11 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालातों को देखते हुए भारतीय छात्रों का देश वापस लौटना लगातार जारी है और छात्रों को यूक्रेन में निकालने में भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही। ऊधम सिंह नगर के किच्छा निवासी पारस अग्रवाल के सकुशल घर लौटने से परिजनों में खुशी की लहर है। घर लौटने के बाद छात्र पारस ने आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से यूक्रेन में रहने वालों में डर का माहौल बना हुआ है। 11 बजे की वो फ्लाइट 1:30 बजे चली थी रोमानिया से, और वो दिल्ली लैंड हुई सुबह 11:30 बजे के आसपास दिल्ली के टाइम के। तो वहाँ से हमको उत्तराखंड सरकार के लोगों ने रिसीव किया और फिर वो हमको उत्तराखंड सदन ले गए। फिर वहाँ से उन्होंने हमें रेस्ट करने के रूम वगैरह दिया और उन्होंने हमारी टैक्सी करके हमको यहाँ घर तक पहुँचाया, और यहाँ पर भी SDM साहब और तहसीलदार साहब ने बहुत हमारा स्वागत किया। जी घर वालों से संपर्क हो रहा था हमारा, क्योंकि जैसे कि मैं मैसेज वगैरह कर देता था, प्रॉपर वीडियो कॉल नहीं कर पाता था क्योंकि भीड़ बहुत थी, बच्चों की आवाज़ें वगैरह आती नहीं थी, शोर शराबा रहता था, तो मैं एक मैसेज ड्रॉप कर देता था। बाकी जैसे कि यहाँ पे भी जो न्यूज़ वगैरह चलती रहती थी मैं बताता रहता था, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आधे से ज़्यादा टेंशन दूर हो गई थी हमारी, क्योंकि हम एक तरीके से सेफ जोन में आ गए थे। फिर हमें यह था कि भले यहाँ पे एक दिन ठहरा या दो दिन ठहरा या एक दिन एक्स्ट्रा और ठहरा ले, लेकिन मतलब हम सेफ जोन में, हम घर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं करी, इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प करी है बच्चों की। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, जितने भी बच्चे रेस्क्यू होके आ रहे हैं, जितने भी बच्चों का एयरलिफ्ट हुआ है, सबकी सब पूरी हेल्प करी है गवर्नमेंट ने। हमारा एक रुपया तक खर्च नहीं हुआ है रोमानिया बॉर्डर से लेकर हमें यहाँ तक। हमें बिना बिस्तर के -3 में भी इनको गुजारनी पड़ी, लेकिन जब से बॉर्डर पार करके रोमानिया पहुँचे हैं तो तब से इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिला है इन्हें यहाँ तक घर तक आने तक का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उत्तराखंड गवर्नमेंट का और सभी अधिकारी। बहुत खुश हैं हम लोग, सब लोग, बच्चा हमारे पास है तो अब इसका बर्थडे आने वाला है 26 तारीख को। चलिए शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। और केंद्र सरकार की किस तरह से मतलब कैसी मदद रही इंडिया सरकार की? इंडिया सरकार ने हमारी बहुत मदद की, सब बच्चों की बहुत मदद की है, हमारा बच्चा आज हमारे पास। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को नतीजे आने हैं। उत्तराखंड में फिलहाल राजनीतिक दल और प्रत्याशी 10 मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना के बाद ही चुनाव परिणामों को घोषणा होगी और प्रदेश के मुखिया का ताज किसके सर सजेगा ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मौजूदा हालातों में अगर भाजपा या कांग्रेस में से किसी को भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति में बाकी दलों और निर्दलियों की भूमिका काफी अहम होगी, जबकि कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत के साथ वापस सत्ता में आने का दम भर रही है। देखने को कुछ है ही नहीं, अब सब EVM में बंद है। 10 तारीख को देखते हैं जनता किसको आशीर्वाद देती है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है और ऐसा लगता है कि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ यहां सरकार बनाने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी के साथ एक भारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और हम निर्दलीय हों या अन्य दल कोई भी हों उन सब को साथ लेकर अपने सहयोग, हमारा उनके साथ सहयोग रहेगा पार्टी का, और पार्टी जहां ज़रूरत होगी सहयोग लेगी भी, तो सहयोगी के रूप में कांग्रेस उनको देखेगी। सबसे पहले आपका धन्यवाद। जहाँ तक 10 तारीख की रिजल्ट की बात है तो इंशाल्लाह जो है बसपा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बसपा जो है जीत बहुत अच्छी तादाद में जीत के आ रही है प्रदेश के अंदर। बसपा के बिना सरकार नहीं बनेगी किसी की, सुन लो हमारी बात। जहाँ तक कांटे की टक्कर है, सबकी टक्कर मारे से और जीतेगी बसपा, सबकी चाहे भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, सबकी टक्कर मारे से, किसी की टक्कर आपस में नहीं है, हमारे से सबकी टक्कर। और इसमें जो है प्रदर्शन हमारी पार्टी बहुत।
खबर ऋषिकेश से है, जहां लक्ष्मण झूला क्षेत्र में यमकेश्वर के प्रवेश द्वार पर प्राचीन भगवान गरुड़ भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार बिरला परिवार की ओर से किया गया है। भगवान गरुड़ की मूर्ति का लोकार्पण परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज और यमकेश्वर की विधायक ऋतु खंडूरी ने बिरला परिवार की उपस्थिति में कर दिया है। एक नए युग की पुनः शुरुआत हो रही है कि जब सब यात्रा करते थे तो पहली चट्टी यही होती थी, लक्ष्मण झूला क्रॉस किया गरुड़ चट्टी से होते हुए, फिर सारी चट्टियों को पार करते हुए व्यक्ति बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचता था और धीरे धीरे लोग उसको भूलते चले गए। आज बिरला परिवार हमेशा से ही धर्म संस्कृति और संस्कारों के लिए जाना जाता है और उसी बिरला परिवार की के कुल दीपक जिन्होंने एक नया दीपक जलाया पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति और संस्कारों के क्षेत्र में, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो लेकिन आज लोगों को थोड़ा आकर्षण भी चाहिए, वो जब आकर्षण होता है उस आकर्षण के साथ जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, गरुड़ जी का दर्शन तो किया लेकिन गरुड़ जी किस तरह से भगवान विष्णु के वाहन हैं और किस तरह से उन्होंने उनकी सारी यात्राओं को पूरे संस्कृति में उसको पार कराया है, उसका भी दर्शन, उसकी भी कहानियों से लोग, कथाओं से लोग परिचित होंगे। साथ ही साथ जो जय और विजय का ये जो एक चिंतन है, मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया चिंतन है। जीवन में विजय प्राप्त करनी हो तो उसके लिए व्यक्ति को एक ही काम करना है, जय करना। जय किसको करना? स्वयं के ऊपर जय करना। जब स्वयं के ऊपर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है विजय को तो हर जगह जय ही जय होती है और उसके लिए साधना, साधना की तपस्थली, साधना का ये क्षेत्र, इसलिए साधना के इस क्षेत्र से ये समर्पण की एक नई शुरुआत है, धन का समर्पण, समय का समर्पण। बहुत समय से इस पर मैं कोशिश कर रही थी और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगी यश बिरला का, जिनके साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने निर्णय मेरे साथ ही लिया कि हाँ हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। तो मैं स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट यश बिरला जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे साथ मिलकर या मैं उनके साथ मिलकर हमने भगवान का। सुल्तानपुर पट्टी में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां खनन पट्टे की आड़ में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा। अवैध खनन की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने 6 वाहनों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को सूचना मिली कि सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी से अवैध खनन किया जा रहा है। कि जो खनन पट्टा क्षेत्र है उसके इधर खनन का कार्य किया जा रहा है, इस शिकायत पे हमने राजस्व उपनिरीक्षक और वहाँ के चौकी प्रभारी को भेजा। चौकी प्रभारी द्वारा और इनके राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा बताया गया कि कुछ इस तरह प्रतीत हो रहा है कि जो खनन पट्टा क्षेत्र है उसके बाहर खनन हो रहा है। इन्होंने मौके पर जो उस समय खनन कार्य गाड़ियाँ कर रही थी उनको वहीं मौके पर कब्जे में ले लिया और उसके बाद तहसीलदार साहब की पूरी टीम वहाँ गई और उन्होंने प्रथम दृष्टि देखा कि जो सीमांकित क्षेत्र है उसके बाहर खनन कार्य किया गया है और तत्पश्चात उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें खनन विभाग के साथ ज्वाइंट जांच होनी जरूरी है, इसलिए हमने कल उप निदेशक खनन और तहसीलदार की संयुक्त टीम को निर्देशित किया है कि वो जाँच करके रिपोर्ट दें और तब तक जो गाड़ियाँ 5-6 डंपर पकड़े गए हैं उनको पुलिस चौकी प्रभारी पुलिस चौकी सुल्तानपुर पट्टी के सुपुर्दगी में दिया गया है। तो जो भी अगर जहां भी अनियमितता पाई जाएगी चाहे वो पट्टा धारक हो चाहे वो वाहन। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हरिद्वार रोड पर श्यामपुर के पास कई बीघा जमीन पर फैले आम के बगीचे में भू माफिया लगातार आम के पेड़ों को बिना परमिशन के काट रहे। एक या दो नहीं बल्कि तीसरी बार कुछ महीनों में ही आम के 5 दर्जन से अधिक पेड़ काटने का मामला
सामने आया है। आम के पेड़ों को काटने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के केवल 28 पेड़ों को काटने की जानकारी सार्वजनिक की गई है। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की है। शाहपुर की बात है, इसमें जो है कुल 28 पेड़ काटे हैं, जिसमें एक मुलजिम ने 16 पेड़ काटे हैं, एक ने 12 पेड़ काटे हैं। मुलजिम को हमने कोर्ट में पेश कर दिया है और 14 दिन की रिमांड है। 14 दिन में चार्जशीट तैयार की जाएगी, आगे जितने भी मुलजिम। उत्तराखंड में सी प्लेन उतरने का जनता का सपना जल्द पूरा होता दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था उसे स्वीकृत कर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तराखंड के अन्य चिन्हित स्थानों के साथ ही ऊधम सिंह नगर में भी प्लेन उतरने शुरू हो जाएंगे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पे सी प्लेन उतरने का जो सरकार का प्रस्ताव था उसको सेंटर ने स्वीकृति दे दी है। मैं ऊधम सिंह नगर जिले से विधायक हूँ, मंत्री हूँ और मैंने अपने ज़िले से गुलर भोज जलाशय और नानक मत्ता जलाशय इसमें सी प्लेन उतरना चाहिए। ऋषिकेश का है, टिहरी का है, इन जलाशयों में सी प्लेन उतरना चाहिए। हमारी सरकार ने सेंटर को प्रस्ताव बना के भेजा था और मैं उत्तराखंड की तरफ से, सरकार की तरफ से, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ऊधम सिंह नगर ज़िले को बहुत बड़ी सौगात पर्यटन के क्षेत्र में दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुलरभो जलाशय में और नानक मत्ता जलाशय में इन दोनों जगहों पर बहुत जल्दी सी प्लेन उतरेगा, इसकी स्वीकृति मिल गई है और जो संस्था है जिसको कार्य दिया गया है उस संस्था और उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच यथाशीघ्र अनुबंध होने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही 10 मार्च को काउंटिंग होने के पश्चात हमारी सरकार दोबारा चमोली जिले की पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के दिशा निर्देशन में जनपद की पुलिस नशे के विरुद्ध लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मामला थराली का है, जहां थराली पुलिस ने रविवार देर रात गश्त के दौरान 3 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब के साथ थराली बाजार के पास से व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह अभियान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में स्वच्छ चमोली, स्वच्छ उत्तराखंड और नशा मुक्त चमोली के अभियान के तहत यह अवैध नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक इसी दौरान रात्रि में गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 3 पेटियों के अवैध शराब के साथ पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश के साथ मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था यात्रा के दौरान दुरुस्त रहने की उम्मीद है। तीनों थाना क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए एसपी रैंक के अधिकारी को ट्रैफिक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पहले भी क्या था, जो एसपी देहात यहाँ बैठते हैं देहरादून के, उनके अंडर में तीनों थानों की ट्रैफिक व्यवस्था की थी। इस बार भी उसका कोई रास्ता निकालेंगे और चारधाम यात्रा पूरी तरह स्मूथली चलाई जाएगी, इसमें कोई पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे। इस बार यात्रा बहुत चरम पे चलेगी, तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी तैनाती और ऋषिकेश में खासतौर पर सर ट्रैफिक पुलिस की। नगर कीर्तन के जसपुर में पहुंचने पर सिख समुदाय समेत राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। आज गांव अजीतपुर श्री गुरुद्वारा साहिब से बाबा दर्शन सिंह कुलीवालों की याद में नगर कीर्तन का बाबा गुरुदेव सिंह की अगुवाई में शुभारंभ किया गया। महापुर के स्थान है, उनसे बरसाए हुए
हजार बाबा गुरुदेव सिंह जी उनके ही चलाए हुए नियमों पे चल रहे हैं, उनके ही नियमों पे चल कर ये नगर कीर्तन जो है सुबह 6 बजे के तकरीबन वहाँ पर चला है। काशी को पूजा हुआ, पूजा दिलवाया और गोविंद को जसपुर में अपने संवेद कर चुका है। ये सब संतों के सहयोग से ही ये नगर कीर्तन निकाला जाता है, सभी संत इसमें सहयोग करते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो दसवें पातशाह हैं सिखों के, सब जगत के गुरु हैं वो, उनके प्रकाश। हल्द्वानी में भारतीय मानवाधिकार परिवार ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम सभागार में दीप प्रज्वलित कर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद, भारतीय मानवाधिकार परिवार महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रुति गोलवलकर, जिला अध्यक्ष अलका सक्सेना और पदाधिकारियों के द्वारा महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सम्मानित और संबोधित किया गया। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मैं सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगी। उसके बाद भारतीय मानव अधिकार परिवार द्वारा आज हल्द्वानी के नगर निगम में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकार की चर्चा होगी। चूंकि आज का समय अच्छा है महिलाओं के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज 100% महिलाएँ स्वतंत्र हैं या अपने अधिकारों का चयन करती हैं, लेकिन समय बदल रहा है, समय के अनुसार हम भी बदल रहे हैं। लेकिन अभी महिलाओं को अपनी जागरूकता और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। आज भी हम देखते हैं दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, कुरीतियों ने आज भी हम लोगों को घेर रखा है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को आगे आना है। हमका मतलब है सभी। उधम सिंह नगर के किच्चा में पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया। पुलिसकर्मियों द्वारा पीड़ित युवक के साथ की गई मारपीट के बाद युवक का एक हाथ भी टूट गया। फिलहाल पीड़ित युवक ने किच्चा कोतवाली पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। क्या हुआ था? मैं 11-12 बजे बाइक चला के आया था, मुझे मारा। किन्ने मारा? ये पुलिस वालों ने। किसने? पुलिस वालों ने। कौन थे पुलिस वाले? ये सफेद का बिलोलो में आते थे, सफेद गाड़ी थी, वर्दी पहनी थी। हाँ। कितने थे? 4 लोग। 4 पुलिस वाले थे। हाँ। किससे मारा आपको? दंडे, सफेद मोटो वाले दंडे थे। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे? बाइक चला के मारा थे बहन के साथ। अच्छा, बारात चढ़ा के आ रहे थे, कहाँ मारा आपको? फारगट के पास। मंडी या बंडिया? फारगट दीवार मंडी, चौली मंडी वाली। कहाँ रहते हो आप? इंदिरा नगर। इंदिरा नगर रहते हो? हाँ। तो अब आप क्या चाह रहे हो? कोतवाल साहब ने आपसे क्या कहा? कोतवाल साहब कुछ नहीं कहा। स्पष्ट नहीं है कि किसके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, लेकिन ये कंफर्म है कि हमारे थाने वालों ने किसी ने भी इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है। बाकी जांच इसमें की जा रही है। लगा अभी जो है सीसी फुटेज निकाली नहीं है, निकाली जा रही है। उसके बाद जब सीसी फुटेज निकाल ली जाएंगी उसे देखने की पश्चात ही क्लियर होगा कि किसके द्वारा यह अपराध किया गया है। रामनगर के एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में दो पक्ष आपस में भिड़े। अज्ञात लोगों ने राजकुमार, जिसकी उम्र 23 साल है, निवासी रामनगर के बताए जा रहे हैं, उन्हें गोली मारी जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं उन्हें गंभीर हालत में डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आज एम सेंटर कॉलेज में अभी दिन दहाड़े गोली चली है, एक लड़के की गोली लगी है। क्या पूरा मामला है, कितना आरोपी? देखिए, आज एम सेंटर कॉलेज मैदान में एक व्यक्ति को मतलब गोली मारने की सूचना मिली थी। इस पर मौके पर हम लोग आए हैं और जो घायल है वो हॉस्पिटल में अभी यहाँ हायर सेंटर रेफर कर दिया है और उसको गोली लगी है, संभवतः 12 बोर से फायर किया गया। सितारगंज से किच्चा जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलटने से करीब 12 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बस से बाहर निकाला। हालांकि पुलिस ने मामूली रूप से घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जबकि गंभीर हुए लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। बताओ, शादी के कार्ड का कारण है, उसमें शादी कार्ड पूरा बंडल रखा था, उसके पास में बैग भी रखे थे बड़े बड़े, वो बैग और कार्ड की वजह से उसके स्टीयरिंग डिसबैलेंस से गियर भी नहीं उससे पड़ पा रहे थे सही से, वो दिक्कत थी उसमें। मैंने फोन कर नहीं रहे मेरे तो। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।